बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं खुशहाल खान नासर, माई ऑनलाइन कंप्यूटर टीचर .blogspot.com की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे कि एक मार्क्यू फंक्शन किस तरह बनाते हैं, एक टेक्स्ट किस तरह मूव करना चाहिए हम लोग की ख्वाहिश के मुताबिक। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे अपना नोट पैड, और नोट पैड में हम लोग लिखेंगे HTML। HTML का क्लोजिंग टैग हम लोग डालेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे डायरेक्ट बॉडी लिख देते हैं क्योंकि टाइम कम है। इसको फिर सेव करके आता है डिस्कटॉप पर, लिखते हैं टेक्स्ट लिखते हैं .html करके सेव कर देते हैं। ये ब्लू हो गया, मतलब ये सक्सेसफुल सेव हो गया है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मार्क्यू, फिर उसके इसको इधर से क्लोज करेंगे, फिर इसको क्लोजिंग टैग भी देंगे, उसको क्लोज भी करेंगे। ये तो हो गया, और इसके दरमियान कहेंगे आई एम खुशहाल खान नासर फ्राम कोयटा पाकिस्तान। सेव करता हूँ और अपने डिस्कटॉप पर आता हूँ, और ये देख रहे हैं सेव हो गया है। इसको जैसे मैं रन करता हूँ तो ये अभी देख रहे हैं आई एम खुशहाल खान नासर फ्राम कोयटा, ये अभी नज़र आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले फिर इधर इसमें आएंगे, मैं इसको बीजी कलर देना चाहता हूँ, कलर देना चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर। तो हम लोग कहेंगे बीजी बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ पिंक होना चाहिए। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये अभी पिंक हो गया, आपको नज़र आ रहा है। और मैं चाहता हूँ ये जो फाउंट का है, फाउंट साइज इज इक्वल टू 5, और यहाँ से मैं इसको क्लोज भी कर लेता हूँ। ये जो खत है ये छोटा है, मैं इसको चाहता हूँ ये बड़ा हो जाए, तो मैं रिफ्रेश करूँगा। हम लोग ने जो फाउंट साइज खत है अभी बड़ा हो गया है, और मैं इसका डायरेक्शन देना चाहता हूँ। तो हम लोग मार्किंग वापस आएंगे, DI डायरेक्शन लिखेंगे, डायरेक्शन में कहता हूँ इसका लेफ्ट से होना चाहिए। ये लेफ्ट से मैंने किया तो ये यहाँ पर नहीं आया, क्यों मैं इसको राइट करता हूँ। देखो ये लेफ्ट ये राइट है, अभी राइट से हो गया। और इसलिए अभी स्लाइड इसका जो बिहेवियर है वो स्लाइड की तरह, क्योंकि यहाँ से ख़त्म होता है फिर वापस यहाँ से शुरू होता है। मैं कहता हूँ ये अल्टरनेट होना चाहिए, यहाँ तक आ जाए फिर वापस यहाँ से वापस इस तरफ आ जाए। और मैं इसको जब आता हूँ इधर लिखता हूँ बिहेवियर इज इक्वल टू, मैं इसको लिख देता हूँ अल्टरनेट। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, अभी देख रहे हैं आप यहाँ तक आएगा फिर वापस इस तरफ जाएगा। ये आप देख रहे हैं ख़त्म नहीं हो रहा, वापस इसी तरफ आ जाता है। और इसका हम लोग डायरेक्शन यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, अभी राइट है, हम लोग अप अगर लिख लिए तो ये ऊपर की जाने बढ़ेगा, ये ऊपर हो गया मगर जा नहीं रहा, क्यों, क्योंकि हम लोग इसका बिहेवियर जो अल्टरनेट का, इसको डाउन रखता हूँ। अभी देख रहे ये डाउन से आ रहा है, अगर हम लोग इसको अप लिखें और इस जगह पर डाउन लिखें तो ये भी ये अभी वापस आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ थोड़ा तेज़ मूव करें तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे स्क्रॉल अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए, मैं कहता हूँ ठीक है, ये भी इतना तेज़ हो गया। अगर इससे तेज़ भी कर सकते हैं 150 रखते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इतना तेज़ आ रहा है कि सही नज़र नहीं आ रहा। हम लोग करते हैं 25 कर देते हैं चलो, और इस खत को हम लोग 3 बार प्लस कर पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि फिर सही नज़र आएगा। देखो अभी ये आ रहा है, और क्या था, ये तो हो गया। यहाँ पर हम लोग इसका जो बिहेवियर ये स्क्रॉल भी रख सकते हैं क्योंकि फिर ये इस तरह मूव करेंगे, इधर से जाएगा उधर से वापस आएगा स्लाइड शो की तरह, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर अगर आप कोई तस्वीर रखना चाहते हैं तो इस खत को मिटा दें, जैसे मेरे पास एक हम लोग लिखेंगे इमेज SRS इज इक्वल टू
इधर आएंगे। अभी मेरे पास कौन सी तस्वीर हम लोग यहाँ पर आएंगे, मेरे पास यहाँ पर एक जिप फाइल की तस्वीर पड़ी है, ये तितली है, तो मैं इसका नाम है बटरफ्लाई डॉट जिप, क्योंकि ये जिप फाइल है, मैं इसे लिखता हूँ बटर फ्लाई डॉट जिप, सेव करता हूँ या फिर रिफ्रेश करता हूँ, ये अभी इस तरह आ रहा है, देखो ये तितली ऊपर जा रही है। और इसके मैं ये स्लो कर देता हूँ, इसको 14 रख देता हूँ, इसका जो अमाउंट है स्क्रॉल अमाउंट है, रिफ्रेश करता हूँ, ये अभी इस तरह आ गया, अभी थोड़ा स्लो हो गया, मैं इसको 12 कर देता हूँ फिर से नज़र आएगा, अभी ये थोड़ा स्लो हो गया। और इसका जो डायरेक्शन है वो मैं राइट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं अल्टरनेट कर लेता हूँ। अब ये देखो जैसे एक तितली उड़ रही है, सही नज़र आ रहा है, इसका ये वाइट रखेंगे तो इसके साथ मैच होगा, जैसे सिर्फ तितली उड़ रही है, फिर बहुत खूबसूरत नज़र आएगा, ये देखो कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये तो हम लोग का मार्क्यू फंक्शन हो गया है, बाकी चीज़ें हम लोग आगे के ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। हमारे ब्लॉग पर विजिट करिए ऑनलाइन कंप्यूटर टीचर डॉट ब्लॉग शो डॉट कॉम पर, और इसे सब्सक्राइब करिए आने वाले वीडियोज़ के लिए। आपका बहुत शुक्रिया मुझे देखने के लिए।